देख लो भाई 360 कैलिब्रेशन के लिए यहाँ पे ना वो दिया गया है और इसके हिसाब से कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है वो एवरीवन भाई तो कैसे हो आप लोग, आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं इसके हेरेंस की। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें जो काम हो रहा है उसका चेकआउट करवाता हूँ। तो फ्रंट की तरफ आप देखोगे तो इसके हेडलाइट में यहाँ पे 120 वॉट की एलईडी डाली गई है जो कि काफ़ी अच्छी रोशनी प्रोवाइड करती है। एंड आपके पास ऑप्शन भी होता है कि अगर आपका यहाँ पे DRL नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ पे DRL वगैरह लगवा सकते हो। नीचे यहाँ पे फॉग लाइट वगैरह भी लगवा सकते हो, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है तो आप उसको करवा देते हो। क्योंकि इसमें DRL लगवाते हो तो इसकी हेडलाइट जाती है प्रॉपर खुल के, फिर खुल के अंदर इसके अंदर ना आफ्टर मार्केट वाली जो LEDs होती है वो लगा जाती है। तो 360 कैमरा, तो आई होप कि मिरर तो इसका चेंज होगा ही, मिरर की भी वायरिंग अभी होनी बाकी है, उसमें देखते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको इस गाड़ी पे दिख रही है बार बार से एक्सटीरियर में, ये थोड़ा बहुत कंपनी से ही लगा हुआ है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे डैम्पिंग हो चुकी है पूरी अपनी ऑटोफन की विद GTO के कॉम्पोनेंट के साथ। तो यहाँ पे रिंग भी लगाया गया है प्लस एक लेयर और इसके ऊपर ना वो दे दिया गया है रेन वाटर गार्ड, देगा क्या कि पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए, ये इसका ट्यूटर यहाँ पे लगा दिया गया है। एंड डैम्पिंग अगर आप देखोगे तो डैम्पिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अंदर की तरफ आओ तो भाई अंदर की तरफ भी स्टेयरिंग रैप होना है, बाकी डैशबोर्ड वगैरह का पीस भी लगना है। और सीट कवर जो है इसमें बेस मॉडल है तो ऑफिशियली कंपनी से ही लगा आता है, इसमें ब्लैक में और आपका न्यू मतलब ब्लू के अंदर सीट में लगा आता है। अब चलते भाई अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ देखोगे भाई अपनी, तो यहाँ पे बूफर वगैरह से लेके एम्पलीफायर सारी तक की वायरिंग हो चुकी है एंड ये सारा पीस यहाँ पे खुल चुका है। एंड बाकी यहाँ पे फिट करने का काम चल ही रहा है तो फिट करने देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। तो 360 के लिए भी आया कैमरा लगना है, मिरर पे कैमरा लगना है एंड बैक साइड कैमरा लगना है। सीट कवर्स वगैरह और मैट वगैरह तो इसमें है नहीं तो उसको भी छोड़ देते हैं, चलते हैं पीछे की तरफ। तो पुष्कर भाई कैसे हो, कुछ नहीं कर रहे इसमें, हो गया? चलो इनकी तरफ से काम हो गया। तो ये कुछ इसकी बूफर की पेटी है, तो ये भी आप लगवा सकते हो। उसको एक कॉर्नर में अगर आप फिक्स भी कर दोगे तो आपका पूरा जो स्पेस है यहाँ का वो पूरा बच जाता है। और यहाँ डिक्की में डैम्पिंग वगैरह हो चुकी है अब 360 कैमरा लगने के लिए। पीछे यहाँ पे कैमरा लगेगा वो भी देखेंगे। तो अभी इसमें काम होने देते हैं भाई, काम होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जो है कम्प्लीटली हो चुका है। भाई अपनी जो कैरेंस थी इसका ना ऑलमोस्ट 80% काम जो है वो डन हो चुका है। तो एक बार मैं आपको चेकआउट कर जाता हूँ। जो 360 इंस्टॉलेशन हुआ है उसमें भाई आपको ना यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कैमरा आपको दिख जाएगा फ्रंट की तरफ। दूसरे अगर कैमरे की बात करें, दूसरे आपको यहाँ मिरर की तरफ दे देते हैं प्रॉपर फिनिशिंग वाले मिरर। और जो ये वाले मिरर चेंज हुए ना वो भी अपने भाई टॉप मॉडल के हैं, तो वहाँ पे आपको ये वाला सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उस मिरर में भी सेम कैमरा लगा होगा और एक जो कैमरा लगा होगा वो लगा होगा पीछे। अंदर की तरफ आके देखते हैं, अंदर की तरफ भाई सारा काम कंप्लीट है, सिस्टम वगैरह सब लग चुका है इसके अंदर। बस बाकी क्या बचा है भाई, बाकी बचा इसका फ्रेम। तो फ्रेम अभी आने देते हैं, तब तक के लिए वेट रहेगा बाकी चीज़ें। चलते पीछे की तरफ। पीछे की तरफ का मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ कि इसका जो DRBM कैमरा, सॉरी 360 कैमरा जो होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो पीछे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखो ये इसका 360 कैमरा है। अब इसको होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और क्या काम जो है इसके अंदर बचा हुआ है। तो भाई वीडियो देखना पूरी एंड तक, तो अभी आपको समझ पाएगा कैरेंस के लिए क्या बेसिक एक्सेसरीज है जो आपको नीड है, तो उसके लिए आप करवा सकते। तो भाई अपनी कैरेंस का जो काम है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो बस अब जा रहे हैं इसके 360 कैलिब्रेशन के लिए। वहाँ पे इसका 360 कैलिब्रेशन होगा, उसके बाद फाइनल टच देंगे इसको एंड फिर आप देखना कैसा इसके अंदर वर्क करता है 360 कैमरा विद कंपनी के सिस्टम, मतलब जो आफ्टर मार्केट सिस्टम लगता है उसमें वर्क करता है एंड जो कंपनी से आता है उसमें भी आप लगवा सकते हो। तो ये मेन रहेगा कि अपना जो 360 वो कैसे वर्क करता है वो पूरा आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो भाई 360 कैलिब्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह चुनी गई है। जैसे हमारे पास में भोली भटियाड़ी पड़ता है तो वहाँ पे आप देखो कुछ आपको इस तरीके का व्यू दिख जाएगा आमने सामने से। एंड यहाँ पे पूरा सरफेस एरिया ना यहाँ का बिल्कुल अच्छा है, तो यहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे एंड 360 का जो कैलिब्रेशन है वो यहीं पर किया जाएगा। चलो जी, तो अभी 360 कैलिब्रेशन देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें, उसके बाद तो काम फिनिश ही अपना, और कुछ ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है 360 में। चलो भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है व्यू आपका 360 कैलिब्रेशन में। आगे की जो मैट हमने बिछाई थी वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड बंद करने के बाद भी आपको भी दिखेगा। तो अभी चारों कैमरे जो हैं इसके आगे पीछे और दोनों साइड के कैमरे हैं वो चल रहे हैं और वो यहाँ पे सेट कर रहे हैं इनको, तो देखो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। भाई कैलिब्रेशन अपना ख़त्म हो गया, अब यहाँ मैट वैट समेट रहे हैं ये जो हमने यहाँ पे बिछाया था। तो अब चलते हैं भाई दुकान पे, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज़ बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें इंस्टॉल हुई है
और कितना आपका लमसम बजट बैठ जाता है, तो उस बारे में फिर वहीं पे मैं आपको दुकान पे ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा। तो चलते हैं भाई अब दुकान पे एंड वहीं पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें जो है इसमें प्रॉपर हुई हैं, एम्बियंस लाइटिंग, दरवाजे वगैरह, मिरर वगैरह, स्विच वगैरह, सब चीज़ आपको चेक करवाऊँगा। Do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. लो भाई कैरेंस का जो काम है पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं आपको एक बार काम चेक आउट करवा देता हूँ। क्या काम इसके अंदर हुआ है, फ्रंट की तरफ आप देखोगे तो फ्रंट की तरफ इसके अंदर LED लगी हुई है 120 वॉट की, जिसकी रोशनी काफ़ी अच्छी, तो रोशनी का थोड़ा भी आपने देखा होगा, मैंने जैसे दिखाया होगा। प्लस यहाँ पे किया के ओरिजिनल मिरर जो आते हैं प्रॉपर कैरेंस के, वो वाले यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं विद 360 डिग्री कैमरास के साथ, जो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है एंड प्रॉपर फिनिशअप आता है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, अभी एक्सटीरियर में तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है हमने, मेन जो है अंदर की तरफ के, तो चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ आप देखोगे भाई कि यहाँ पे डोर पैनल वगैरह हुआ नहीं है, यहाँ पे ना बस ये देखोगे यहाँ पे ये एम्बियंस लाइटिंग लगी है कुछ इस तरीके की, और जो एम्बियंस लाइट की फिटिंग है वो हमारे विद्या भाई ने किया है। तो कैसे विद्या भाई? बस बढ़िया। ओहो क्या चल रहा है, भरे मूड में लग रहे हैं। नहीं, तो भाई थोड़ा एक्साइटमेंट में रहते, कोई बात नहीं, लेकिन काम भाई करवाओ तो प्रॉपर करते हैं भाई। चलो फिर आते हैं मिरर की स्विच की तरफ। तो स्विच आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है एंड ये देखो भाई ये स्विच की प्रॉपर फिनिश है। एक बार ना मैं आपको चेकआउट करवा के दिखा देता हूँ कि कैसा ये वर्क करता है इसके अंदर। कुछ आपको इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये देखो इसको मैंने लेफ्ट पे सेलेक्ट किया, और उसके बाद अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ जस्ट चालू, ये देखो भाई मैं अगर यहाँ से इसको एडजस्ट करूँगा तो ये उस हिसाब से फिर एडजस्ट होता रहता है। और ये होता है हमारा मिरर बंद करने के लिए, अगर इसको मिरर हमें क्लोज करना है ऐसे करेंगे मिरर क्लोज हो जाता है यहाँ पे। एंड स्विच की फिनिशिंग अगर आप देखोगे तो स्विच की फिनिशिंग आपको यहाँ पे ना प्रॉपर दिखाई गई है, जैसे ये देखो बिल्कुल सेम फिटमेंट के साथ दिया गया है। अगर ये थोड़ा पियानो में होता तो और अलग बात आती है। तो यहाँ का काम वैसे भी चल रहा है। आप चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर मैं आपको इसकी स्टेयरिंग और 360 का जो कैमरा है वो एक बार और चेक करवाता हूँ प्रॉपर अच्छे तरीके से। पीछे की तरफ जो 360 है भाई वो कुछ अपना इस तरीके का दिखता है एंड साइड का जो है मिरर का मैंने आपको दिखाई दिया है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाके ना आपको मैं पूरा प्रॉपर चेकआउट करवाता हूँ कि इसका जो 360 कैमरा है कैसे वर्क करता है। तो सिस्टम जो लगा है इसके अंदर वो भाई कैनन का लगा है एंड्रॉयड में, 2+16 रैम के साथ है। अब आते हैं नॉर्मल इसके होम बटन पे। होम बटन पे आते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 360 व्यू का ये भी दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस 360 व्यू पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का पार्ट देखने को मिल जाता है। जैसे अभी मैं 360 पे करता हूँ, 360 पे सेट है, अगर मैं इसको 3D पे कनेक्ट करता हूँ तो ये आपको ना कुछ इस तरीके का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये देखो गाड़ी का थंबनेल ऑडी का है बट ये प्रॉपर कर जाता है। आगे का अगर मेरे को देखना तो आगे का आपको ये दिख जाता है। प्लस साइड में ना आपको यहाँ पे 2 लाइन मिल जाती है जो आपको प्रॉपर डायरेक्ट करती है कि आपका जो गाड़ी है वो वहाँ से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या फिर कोई खड़ा होता है तो वो आपको दिखा देता है यहाँ पे। एंड ये देखो आप चलते हैं भाई पूरी गाड़ी की, तो साइड का व्यू आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। और एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा, मिरर पर जो कैमरा लगा है ना वहाँ पर आपको यहाँ पर टायर दिख रहा होगा, जिस तरफ आप टायर मूव करते हो ना ये देखो उस तरफ को ना आपको दिखाएगा आपका टायर कितना मूव हो रहा है और किस तरीके का हो रहा है। दोनों तरफ का आप देखोगे दोनों तरफ का मामला कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे निक्कू भैया खड़े हैं तो उनको छोड़ देते हैं। एंड पिक्चर का कुछ है नहीं, आपको अगर इसका इंटरफेस वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और एक चीज़ और है इसके अंदर ना आपको एक फंक्शन मिल जाता है कि अगर आपके पास या ट्रैफिक पुलिस रडार वाला सिस्टम है, कई बार होता है ना हाईवे वगैरह पर ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारा चालान कट जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐप आता है वो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर जो सारे ऐप है वो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो ये भाई टोटल प्रॉपर काम हुआ है इसका है। इसका कैमरा वगैरह मैंने आपको दिख चेक करा दिया। अब आते हैं एम्बियंस लाइटिंग वगैरह पे, तो एम्बियंस लाइटिंग वगैरह अपनी कुछ इस तरीके की हुई है। अंदर डैम्पिंग वगैरह हुआ है, सिस्टम का काम हुआ है। तो अब चलते हैं सीधा निक्कू भैया के पास एंड पूछते हैं भाई क्या क्या इसमें मतलब कितना बजट लगता है और कितना टाइम चाहिए इस चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं भाई निक्कू भाई से। भाई आगे अपने निक्कू भैया, और कैरेंस का जो है यहाँ पे काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो निक्कू भैया बताएंगे। तो निक्कू भैया एक तो मेन पर्पस बताओ कि वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या था अपना? कैरेंस का अंदर 360 कैमरा, उसके बाद ORVM फिटिंग ओरिजिनल आइटम, और उसके बाद इसमें जो भी काम हुआ है पूरा यूनिक काम था। यूनिक काम था जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि इसके अंदर जो 360 है वो आपका 2 मिनट पे एक कैमरा आगे और एक कैमरा पीछे। तो अराउंड कितना बजट बैठ जाता है 360 का अगर कोई करवाना चाहे तो?
25 स्टूडियो के साथ 25,000 से लेकर 45,000 तक का, 25,000 से लेकर 45,000 विद इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। हाँ चलो भाई, तो विद इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको 25,000 से लेकर 45,000 तक का खर्चा आ जाता है और कुछ वगैरह चेंजेस कराते उसमें हो जाएगा। कैरेंस के लिए क्या अपडेट है? कैरेंस के लिए अपने पास में तो अभी बोल रहा हूँ कि जितने भी ओरिजिनल पार्ट है उस पर 15% डिस्काउंट। चलो, जैसे हेड लाइट हो गया, फोक लाइट हो गया, ग्रिल हो गया, टॉपर, हमारे कोई भी आइटम कैरेंस का ओरिजिनल सारा अवेलेबल ए से लेकर जेड तक, उस पर 15% ऑफ है। प्लस भाई अगर आप कहीं पे कैरेंस का वो सामान परचेज भी करते हो तो उस पर देखा करोगे वहाँ पे किया लिखा होता है या नहीं लिखा होता, मिरर्स वगैरह पे। हाँ, कहीं पे आप कैरेंस का काम करवाते हो, मैं मान लिया गाड़ी की ऐसी तैसी कर देते हो, बाद में करते करोल बाग में क्या है, कुछ नहीं है। कैरेंस ओरिजिनल डब्बा पैक आइटम लो, 15% डिस्काउंट लो, कहीं भी काम करवाते हो, नहीं तो निक्कू देगा 15% डिस्काउंट। चलो भैया, तो निक्कू पर भैया देंगे आपको 15% डिस्काउंट, चाहे मीटर क्यों ना हो, खाली एक भी आइटम लगा दो उसको भी 15%। चलो वो तो ओरिजिनल आइटम 15% वैसे ही जाता है। चलो, ये हमारी शॉप पे करोल बाग में निक्कू कार डेकोर कुछ इस तरीके का बोर्ड आपको दिख जाएगा, 16/7 अब्दुल अजीज रोड, एंड दुकान का इंटरफेस जो है कुछ इस तरीके का है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में निक्कू भैया का नंबर होता है, वहाँ से आप इंक्वायरी भी कर सकते हो किसी चीज़ के रिलेटेड, तो वो भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी गाड़ियों के भी वीडियोस हम लाते रहते हैं आपके साथ, तो वीडियो में कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम और भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।